एवरीवन, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जितने भी हमारे स्टूडेंट्स जो DSSB की पोस्ट कोड 17/21 पर्सनल असिस्टेंट का स्किल टेस्ट का वेट कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप सभी बार बार ये सोच रहे हैं कि किस तरीके से मैटर आएगा, लीगल मैटर आएगा, एडिटोरियल आएगा, रामधारी की बुक से आएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत से अलग अलग विचार चल रहे हैं जिनकी स्किल अच्छी है, जिनकी कहीं ना कहीं 110-120 स्पीड है, क्योंकि यहाँ पर आपको 100 वर्ड पर मिनट की आपकी डिक्लेरेशन जो है वो आपको बोली जाएगी, जो कि आपको 40 वर्ड पर मिनट आपका अगर इंग्लिश है तो इंग्लिश में टाइप करनी होगी, और 55 वर्ड पर मिनट आपको हिंदी में टाइपिंग का आपका दिया जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं आपका कम है, ठीक है। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड दे चुके हैं और कहीं ना कहीं कुछ ऐसे एग्जाम में स्किल पास कर चुके हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं आसान होगा, लेकिन जो स्टूडेंट पहली बार दे रहे हैं आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा कि किस तरीके से आगे आपको परस्यू करना है स्किल टेस्ट में, ठीक है। अगर आप फर्स्ट टाइम अपीयर हो रहे हैं तो आप एक चीज ध्यान रखिए कि उस टाइम पे सबसे मेन जो आपको बेसिक अपने आप पे ध्यान रखना है वो होता है आपका प्रेशर, ठीक है, क्योंकि जब आप स्टेनो लिख रहे होते हो तो कहीं ना कहीं कुछ एक दो वर्ड छूट जाते हैं, लेकिन उनके चक्कर में आप कभी भी स्पीच जो है जो आप डिक्टेट किया जा रहा है बाकी चीजों का आप बिल्कुल भी मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आपके टफ होते हैं लेकिन वो दिमाग में ध्यान आ जाते हैं, जब आप ट्रांसक्राइब करते हो अगर आप प्रेशर में नहीं हो तो कहीं ना कहीं वो वर्ड जो होते हैं वो आपके ध्यान में आ जाते हैं, क्योंकि कुछ टफ वर्ड होते हैं वो दिमाग ऑलरेडी अपने आप कैच कर लेता है, अगर आप नहीं भी लिख पाते तो भी कोई इशू वहां पर नहीं है। अब यहाँ पे बात आती है कि जिनकी स्पीड 100 वर्ड पर मिनट की नहीं है, जिनकी स्पीड है आपकी 80 वर्ड पर मिनट, तो उसके लिए सिर्फ आपको एक ही काम करना है कि दिन में कम से कम आप 6-7 बार डिक्टेशन सुनो और उसको ट्रांसक्राइब करो, मतलब स्टेनो में लिखो फिर उसको टाइप करो। अब मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 5-6 बार अगर आप करोगे तो कहीं ना कहीं दिन में आपको 7-8 घंटे देने पड़ेंगे, 5-6 घंटे तो पूरा एग्जाम का हो गया, उसके अलावा अलग से जो आप डिक्टेशन 10 मिनट की लेने के बाद फिर 10 मिनट पढ़ते हो, ठीक है, उससे आपको इफेक्ट क्या आएगा कि जब आप डेली डिक्टेशन करोगे तो कहीं ना कहीं आपका माइंड जो होगा वो ग्रैब करना स्टार्ट हो जाएगा, और उसका जो कोऑर्डिनेशन है, देखिए जब स्टेनो आपकी बोली जाती है तो आपको दिमाग से सोचना नहीं पड़ता है, आपको क्या होना होता है हाथ को पता होता है कि किस तरीके से उसको लिखना है, तो ये कोऑर्डिनेशन आपका तभी आएगा जब दिन में आप ये सोचो, मतलब जब दिमाग आपका सिर्फ और सिर्फ उसी चीज में इंडल्ज हो जाएगा तभी आपकी स्टेनो अच्छे से निकल पाएगी, ठीक है। साथ ही साथ आप शब्द चिन्ह की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि स्टेनो कुछ नहीं है, शब्द चिन्ह और वाक्यों में जो वर्ब का जोड़ना जो होता है उन पे प्रैक्टिस करिए, उन पे फोकस करिए ज्यादा से ज्यादा, अगर नहीं हो रहा है तो एडिटोरियल है तो एडिटोरियल को अपने स्पीच में रिकॉर्ड करिए, ठीक है, और फिर उसको सुन के दोबारा से उसको लिखिए, क्योंकि यही एक बेहतर वे है आपका स्टेनो की स्पीड बढ़ाने का, ठीक है। बाकी जो भी आपके टफ वर्ड्स होते हैं उनको एडिटोरियल जब आप मॉर्निंग में पढ़ा करिए, आप एडिटोरियल अब मैं पढ़ने के लिए क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एक चीज ध्यान रखिए कि जब आप स्टेनो को लिखते हैं तो बहुत सी ऐसी चीजें होती है जैसे निर्माण, ठीक है, कॉमा कहाँ लगना है आपका, ये कहाँ लगना है, सॉरी वो क्या होता है, हाँ वो कहाँ लगना है, तो ये सारी चीजें आपको तभी समझ में आएंगी जब आप कहीं ना कहीं एडिटोरियल पढ़ना स्टार्ट करोगे, क्योंकि एडिटोरियल में आपकी शुद्ध हिंदी आपकी लिखी रहती है, ठीक है, क्योंकि एडिटोरियल में आप जब देखेंगे ना तो जो हिंदी बाकी पेपर में आप देख लो, एडिटोरियल देख लो, तो वहां पे आपका एक्चुअल हिंदी वहां पर लिखी होती है, वहां पे जो वर्ड्स होते हैं बिल्कुल सही लिखे होते हैं, तो इस वजह से आप एडिटोरियल को मॉर्निंग में एक बार पढ़िए और उसमें जो टफ वर्ड है उनको सॉर्ट नोट करिए, उनको कहीं कहीं उनकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि जब एग्जाम में मान लीजिए कि अगर ट्यूटोरियल मैटर आ गया तो फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम वहां पर महसूस ना हो, ठीक है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कि आपका मैटर क्या आ रहा है, तो जैसा मैंने अभी हाल ही में मेरा एक फ्रेंड है उससे मैंने बात करी, तो वो ये कह रहा है कि पहले आता था रामधारी की बुक से, लेकिन अभी क्या है कि रामधारी की बुक से भी आ रहा है, बट ये भी हो रहा है कि कई बार एडिटोरियल वाला मैटर भी ये लोग बोल दे रहे हैं, तो अगर एडिटोरियल बोल दिया गया तो वो कह रहा था कि कहीं ना कहीं आप सभी के लिए थोड़ा सा टफ रहेगा, क्योंकि रामधारी की बुक की आप सभी प्रैक्टिस कर चुके होते हो तो बहुत आसान हो जाता है, तो इस वजह से आप कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा न्यूज़पेपर पढ़ के वहां से जो वर्ड्स है ट्रिपल उनको सॉर्ट आउट करने की, उनको निकाल के उनको प्रैक्टिस करने की, और कोशिश करिए कि एडिटोरियल की ही स्पीच में आप अपनी डिक्टेशन जो है वो घर पे उसकी प्रैक्टिस करें। बाकी अगर कुछ भी ऐसा लगता है तो वो मैं आपको ऑलरेडी बता दूंगा चैनल पे। साथ ही स्टेनो की डिक्टेशन भी आपकी 3:30 बजे से दोपहर के आपका ऑलरेडी डाली जाती है 10 मिनट की, तो एक बार उनको भी उस
उसको भी अटेम्प्ट करिए, हालांकि वो आपके लिए नहीं है, स्टेनो एसएसटी स्टेनो वालों के लिए, क्योंकि उसमें मैं 80 वर्ड पर मिनट के मैं आपको डालता हूँ, 100 के अभी नहीं मैं डाल रहा हूँ, ठीक है। तो कोशिश करिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एडिटोरियल मैटर की प्रैक्टिस करिए, क्योंकि वही एक ऐसी चीज़ है जो आपको एग्जाम से बाहर कर सकती है, क्योंकि वो काफ़ी कहीं ना कहीं टफ होती है। इवन जब भी मैं स्टेनो की प्रैक्टिस करता हूँ तो मैं ऑप्शन चूज करता हूँ एडिटोरियल का, क्योंकि उससे बेहतर और उससे अच्छा सोर्स कोई नहीं है आपको डिक्टेशन आपको लिखने का, ठीक है। बाकी बने रहिए हमारे चैनल साथ, आगे और भी आपको अपडेट्स इंपॉर्टेंट आपको मिलती रहेंगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो।